स्वामी जी महाराज जिन्होंने दादू पंत का और संत समाज का गौरव बढ़ाया है, ऐसे स्वामी जी महाराज श्री गोपाल दास जी महाराज हमारे बीच में पदार्पण। निश्चित रूप से स्वामी जी के चरण समाज के लगभग सभी कार्यक्रमों में उनका आशीर्वाद रहता है। वैसे तो संत सभी के हैं कि जातन पूछो साधु की वो सबका हो, लेकिन गौरव है कि जिस कुल में उनका जन्म हुआ बिजारण्य गोत्र के जाटों में समाज उनसे गौरवान्वित है, अभिनंदित है। मंचस्थ विराजमान सम्माननीय सांसद महोदय बागीर जी चौधरी, डेयरी अध्यक्ष जिला जयपुर ओम प्रकाश जी पूनिया साहब, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख प्रधान व उप प्रधान जी, हमारे जिला परिषद मेंबर्स और पंचायत समिति सदस्यों, समाज के सभी पधारे हुए वृद्धों, नौजवानों, बाल, बड़ी प्रसन्नता है कि आज जाट समाज विकास समिति दूदू के इस कार्यक्रम में हमें भी आने का अवसर मिला। क्योंकि चाहे कोई सती हो, सूरवीर हो, चाहे संत हो, किसी न किसी समाज में तो जन्म लेता है। हमें भी गर्व है इस समाज में जन्म लेने का, और हम चूंकि गुरु शिष्य परंपरा से हैं, इसलिए महात्मा सुंदरदास जी महाराज दादू दयाल के सबसे छोटे शिष्य, उन्होंने कहा जो लठ भृंग करे अपने समतासु जो भिन्न कहे नहीं कोई, जो ध्रुम और अनेक जो भांति जो चंदन के दृग चंदन होई, जो जल क्षुद्र मिले गंग ही में होई शुद्ध हो जाई, सुंदर जाति स्वभाव मिटे जब साधु की संगत से साधु होई। सजनों आपको भी गर्व होना चाहिए कि इस जाट समाज के वेदांत के अधिकृत विद्वान स्वामी निश्चल दास जी महाराज दादू पंथी हुए हैं, जिनका विचार सागर और वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ जो है सर्वमान्य सब देखों में है, जिनके लिए दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि इस शताब्दी का कोई वेदांत का अधिकृत विद्वान है तो स्वामी निश्चल दास दादू पंथी है। निश्चल दास दादूपंथी भी इसी जाट समाज से देन है, और अभी पिछले कुछ वर्षों पहले आपने पुस्तक का नाम सुना है शब्द वेद है, राजस्थान पत्रिका से मुद्रित है, उसकी भूमिका भी आपके ही समाज से अवतरित होकर के दादूपंथी महात्मा सर दर्शनाचार्य स्वामी सूरजन दास जी महाराज, जिन जो महाराजा संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग अध्यक्ष भी रहे, उनकी उस शब्द वेद में 350 पृष्ठ की भूमिका जो है वेद पर लिखी हुई है ये स्वामी सूरजन दास जी महाराज। इसलिए हमें गर्व है इस समाज के इस कार्यक्रम में हमें भी अपनी उपस्थिति देने के लिए उपस्थित हुए हैं, और हमें आवश्यकता है कि समाज के होनहार नवयुवक आगे बढ़े, हमारे प्रशासनिक सेवाओं में जावें, आगे से आगे जो है उन्नति करें। और मैं यहाँ इस श्रवण जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ सर्वप्रथम यहाँ नींव पूजा हुई थी तब भी मैं उपस्थित था, और आगे से आगे ये विकास करे। आप हम सब का दायित्व बनता है कि ऐसे होनहार कार्यकर्ताओं को हम अपना जो है तुच्छ सहयोग दे करके और आगे से आगे बढ़ावे। इन्हीं शब्दों के साथ में और मैं दर्श विकास समिति के अध्यक्ष महोदय एवं सभी पधारे हुए महानुभावों को, समाज के जो है चेतना देने वालों को, सभी को जो है सादर आशीर्वाद देता रिजि की वाड़ा यत्र तत्र सर्वत्र, ये जो है मन संचालन के लिए पहुंचकर बहुत अच्छा जो है समाज का जो है कीर्ति बढ़ाते हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य।